महाराष्ट्र राज्य प्रथम उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के संस्थापक अध्यक्ष, युगांतर शिक्षण संस्थान नागपुर के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय नासिकराव तिरपुड़े उर्फ बाला साहेब तिरपुड़े की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 16 जनवरी को युगांतर शिक्षण संस्था द्वारा संचालित समाज कार्य महाविद्यालय की ओर से 90.8 FM अपना नागपुर नामक कम्युनिटी रेडियो केंद्र का कार्यान्वयन व प्रसारण शुरू कर रहा है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान राजकुमार तिरपुड़े द्वारा दी गई है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और युगांतर शिक्षण संस्था द्वारा संचालित तिरपुड़े समाज कार्य महाविद्यालय के बीच हुए अनुबंध के अनुसार इस रेडियो केंद्र को अनुमति मिली है। स्थानीय रेडियो श्रोताओं को इसके द्वारा विविध जानकारी तथा मनोरंजक पर कार्यक्रम सुनने का अवसर प्राप्त होगा। श्रोताओं की आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी, स्थानीय समुदाय, महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, विविध गैर सरकारी संगठन और सामाजिक संस्था आदि सभी वर्गों के लिए शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, वैद्यक शास्त्र, अर्थकारण, फाइन आर्ट्स और बहुआयामी कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों के सहभाग द्वारा सुनाए जाने वाले हैं। इनमें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही परप्रांतीय रहवासियों के लिए अन्य बहुभाषिक कार्यक्रमों का प्रसारण भी होने वाला है। कई वादळी होऊन गेले जिथे काही सोर्सेस नाहीये, तर तेव्हा ही गव्हर्नमेंटची स्कीम आहे आणि हे गव्हर्नमेंटने आम्हाला दिलेलं आहे। दुसरं कम्युनिटी म्हणजे कम्युनिटी रेडिओ स्टेशनमध्ये कम्युनिटीचे गाईडलाईन्स दिलेले आहे की आम्ही काय करायला पाहिजे। जसं आम्ही न्यूज देणार नाही त्याच्यात, ते आम्ही तुमच्यासाठी सोडलं आहे। विल नॉट गिव द न्यूज त्याच्यामध्ये, हे काही काही त्याच्यामध्ये रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, बाकी आम्ही कार्यक्रम आमचे चालू करू शकतो। आम्ही सध्या असं ठरवलं आहे की नागपूरचे हा जो कार्यक्रम, हे जे कम्युनिटी स्टेशन आहे, हे नागपूरच्या लोकांसाठी काय आहे, नागपूरच्या लोकांनी तयार केलं आहे आणि नागपूरच्या लोकांसाठीच आहे। म्हणून ते आम्ही पाहू आता कसं काय करायचं साधा सोळा। सर्वधर्म समभाव इस मुख्य आधारण व इस रेडियो केंद्र के प्रसारण कार्यक्रम आयोजित है। युगांतर शिक्षण संस्था के सिविल लाइन स्थित परिसर में निर्मित किए गए स्टूडियो द्वारा यह कार्यक्रम प्रसारित किए जाने वाले हैं। नागपुर के लोगों ने लोगों का लोगों के लिए इस जनतांत्रिक तत्व पर आधारित रेडियो केंद्र के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए इच्छुक स्थानीय नागरिकों द्वारा उनकी कलाओं के माध्यम से सहभाग दे, ऐसा आह्वान भी स्थानीय लोगों से किया जा रहा है। उसी प्रकार उनके द्वारा होने वाले आयोजन व प्रायोजन द्वारा इस कम्युनिटी रेडियो केंद्र का संचालन होने वाला है। रविवार दिनांक 16 जनवरी को स्वर्गीय बाला साहेब तिरपुड़े की प्रतिमा को माल्यार्पण कर सर्वधर्म समभाव प्रार्थना के साथ सुबह 6 बजे से रेडियो केंद्र के प्रसारण का आरंभ किया जाने वाला है। इस अवसर पर विविध कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया जाने वाला है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।